मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी हर फिल्म को यूनिक अंदाज में प्रमोट करते हैं, चाहे वो थ्री इडियट्स के लिए बहरूपिया बनने की बात हो या फिर फिल्म गजनी के लिए मल्टीप्लेक्सेस के सारे स्टाफ को खुद का लुक देने की बात। हमेशा आमिर ने अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज की वजह से हेडलाइंस बनाई है और अब फिल्म तलाश के लिए भी आमिर कुछ ऐसे ही यूनिक प्रमोशनल प्लान को अपनाने जा रहे हैं। लेकिन अब तक आमिर ने अपने इस प्रमोशनल प्लान की कोई भी जानकारी मीडिया को लगने नहीं दी है। यहां तक कि तलाश के प्रमोशनल इवेंट पर उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया था। इसमें मैं गायब होने वाला हूं। आप लोग मुझे तलाशते रहेंगे। वेल आमिर, आप भले ही अपने प्रमोशनल प्लान के बारे में बात ना करें, लेकिन हमने आपके सीक्रेट प्रमोशनल प्लान का पता लगा लिया है। आमिर खान इस बार तलाश को प्रमोट करने के लिए देश की 9 सिटीज में जाएंगे और यहां क्राइम रिपोर्टर्स के साथ मिलकर वो अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे। आमिर की ये फिल्म भी एक मिस्टीरियस डेथ के इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है और आमिर इसी सस्पेंस को और भी बस दिलवाने के लिए अपनी फिल्म को इस तरह से प्रमोट करेंगे। आमिर के करीबियों की माने तो उन्हें क्राइम रिपोर्टर्स का प्रोफेशन काफी पसंद है और वो हमेशा से इनसे इंटरेक्ट करना चाहते थे और इस बार तलाश के प्रमोशंस के जरिए वो अपने दिल की इच्छा पूरी करेंगे। वैसे अभी तक फिल्म की मार्केटिंग टीम ने किसी भी रिपोर्टर से कांटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि आमिर चाहते हैं कि वो रिपोर्टर्स के रिएक्शन को रियल टाइम देखें जब वो उनसे मिलने पहुंचे। बात साफ है, आमिर ने तलाश के प्रमोशन के लिए कमर कस ली है और अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजी भी उनके पिछले आइडियाज की तरह होंगी। है ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।